हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत ही बड़ा डीवैल्यूएशन हुआ है। कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड है जिन्हें अब आपको मेरे ख्याल से फेंक देना होगा, यानी कि अब उन्हें यूज करने से आपको ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तीन बड़े डीवैल्यूएशन हुए हैं, चलिए आपको बताते हैं वो क्या है। लेकिन एक कार्ड है जो इन डीवैल्यूएशन से बचा हुआ है, वो कौन सा कार्ड है जिसको लेने से आपको फायदा होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से दबा लीजिए ताकि मेरी इस तरह की वीडियो कभी भी आपसे मिस ना हो। और अब तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। हर तरह के लूट ऑफर्स, अर्निंग अपडेट्स, जबरदस्त शॉपिंग डील ऑफर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, अच्छा बेनिफिट आप यहां से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड पे बहुत बड़े तीन डीवैल्यूएशन किए हैं। सबसे पहला डीवैल्यूएशन है जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा, वो है अब आपको आईसीआईसीआई बैंक के मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने के लिए हर क्वार्टर में 35,000 रुपये का स्पेंड करना होगा। पहले दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड पे ऐसा कोई भी नियम नहीं था, लेकिन अब आईसीआईसीआई बैंक ने अपने काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड पे एक रूलिंग बनाई है जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। अगर आपको उन कार्ड्स पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करना है तो जिस मंथ में आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस लेना है उसके पिछले क्वार्टर में आपको एटलीस्ट 35,000 रुपये आईसीआईसीआई बैंक के उस कार्ड से स्पेंड करना होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही बकवास नियम है। एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने के लिए आपको कम से कम 35,000 रुपये कार्ड से स्पेंड करने होंगे, जो कि मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल नहीं है। समझ लीजिए, आपको अप्रैल के मंथ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस लेना है तो जनवरी से लेके मार्च यानी फर्स्ट क्वार्टर में आपको कम से कम 35,000 रुपये अपने कार्ड से स्पेंड करने होंगे, तभी अप्रैल मंथ में आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का मजा ले पाएंगे। काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड हैं जिनके ऊपर अब केवल एक ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर मिलने वाला है। यहाँ पे आप उन कार्ड्स की लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक का कोरल क्रेडिट कार्ड है, आईसीआईसीआई बैंक का सिक्योर्ड कोरल क्रेडिट कार्ड भी है, साथ ही एक्सप्रेशन क्रेडिट कार्ड जो कि ज़्यादातर लोग लेते हैं, HPCL का सुपर सेवर वीज़ा क्रेडिट कार्ड भी इंक्लूड किया गया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है, पराक्रम सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, NRI सिक्योर्ड कोरल वीज़ा क्रेडिट कार्ड, कोरल कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड भी इस लिस्ट में शामिल है जो कि अभी हमें सबको बिल्कुल फ्री में मिला था, माइन क्रेडिट कार्ड भी इंक्लूड किया गया है, चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड भी इस लिस्ट में है, यहाँ तक कि मेक माई ट्रिप आईसीआईसीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, जो कि मैंने लिया ही था अभी कुछ दिनों पहले डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए। आप सारे कार्ड्स की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इन कार्ड्स पे अगर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस लेना है तो पिछले क्वार्टर में आपको 35,000 रुपये अपने कार्ड से स्पेंड करने होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिवेल्यूएशन है। दूसरा डिवेल्यूएशन है जो कि 1 फरवरी 2024 से लागू होगा, वो है अब आपको आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड पे वॉलेट रिलोड और रेंट पे ट्रांजेक्शन पे कुछ भी रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक नहीं मिलने वाले हैं। बस एक गनीमत की बात यहाँ पे है कि इस लिस्ट से अमेजोन आईसीआईसीआई कार्ड को बाहर रखा गया है, यानी अमेजोन आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से अभी भी आप वॉलेट रिलोड या रेंट पेमेंट करेंगे तो आपको जो 1% का कैशबैक मिलता है वो मिलेगा। 1 फरवरी 2024 के बाद भी आपको वॉलेट रिलोड और रेंट पेमेंट पे अमेजोन आईसीआईसीआई कार्ड पे कैशबैक मिलने वाला है, लेकिन और किसी भी आईसीआईसीआई कार्ड पे आपको ये कैशबैक नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ एक और डिवेल्यूएशन है, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन वेबसाइट पे कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ भी स्पेंड करते हैं, तो आपको 1% प्लस GST का वहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, जिसे कहा जा रहा है करेंसी कन्वर्जन चार्जेस। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल और कार्ड से कुछ भी शॉपिंग स्वाइप करते हैं तो आपको 1% प्लस GST का चार्ज वहाँ पे लगेगा, या फिर घर बैठे इंटरनेशनल वेबसाइट से आप कुछ परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं तब भी आपको 1% प्लस GST का चार्ज लगने वाला है। तो ये तीन डिवेल्यूएशन आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर। वैसे आईसीआईसीआई बैंक के इन तीन डिवेल्यूएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें।